ये एक्ट्रेस जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो फूलों सी ताजगी, चांद सी चमक और सोने सी दमक लिए दिखी, जिसे नाम दिया गया ड्रीम गर्ल। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। देखते ही देखते इन्होंने अपने अभिनय, डांस और सौंदर्य से हिंदी सिनेमा में नंबर वन का ताज हासिल कर लिया। बहुत भारी है ये पतली सी कमर, इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा, क्या करूं, मैं ही रख लेती हूं। समय और उम्र के साथ इन्होंने और भी जोनर में खुद को आजमाया और फिल्म मेकिंग से लेकर इंडियन पॉलिटिक्स में भी अपनी दमदार पहचान बनाई। ये कुर्सियां शरीफों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं। जमानत चाहिए तो समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी छूट चुकी है। कल इतवार है और इतवार को अदालत आराम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब देश की मोस्ट एलिजिबल बैचलर मानी जाने वाली इस एक्ट्रेस ने 4 बच्चों के पिता, खुद से 13 साल बड़े एक एक्टर से शादी कर ली, जिन्होंने बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए इन्हें अपनी दूसरी औरत बना लिया। तुम्हारा मर्द तुमको नहीं मारता क्या? अरे जाओ जाओ सब अपने अपने घर, जो होना है एक ही बार हो जाने दो। आज देवी माँ के कोटले में बहुत बड़ा पुण्य होगा, मैं मर के हाथों मरूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी। क्या आपको पता है कि जिस माँ ने दिन रात एक करके इन्हें एक कामयाब एक्ट्रेस बनाया था, उसी माँ की इन्होंने एक न सुनी और उनकी लाख मिन्नतों के बावजूद इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर ली। ये एक ही बात सिखाते हैं, प्यार करो और बच्चे पैदा करो, प्यार करो और बच्चे पैदा करो। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी शादी के बाद इस अभिनेत्री के इतने बुरे हालात हो गए कि पैसे के लिए मजबूरन इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा और आजीवन पति से दूर एक अलग घर में रहना पड़ा और अकेले घर खर्च चलाना पड़ा। यू रन योर ओन हाउस होल्ड, यू रन योर करियर, यू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन, फॉर वन पर्सन टू टेक चार्ज एंड टू कूप, आई थिंक एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन टाइम, सो आई एम एबल टू गिव प्रॉपर टाइम एंड लुक आफ्टर एवरीथिंग वेल। तो क्यों इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को इतने बुरे दिन देखने पड़े? क्यों कट्टर हिंदू होने का दावा करने वाली इस अभिनेत्री ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर इस्लाम धर्म अपना लिया और क्यों पॉलिटिक्स में आने के बाद ये लगातार विवादों में घिरी रही और इन्हें कम अकल, घमंडी महिला जैसे नामों से पुकारा जाने लगा? बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छी आमदनी मिल रही है उनको, बट अच्छी बात है और अच्छे ढंग से रह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा बेड भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। बताएंगे इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखो मुझे बेफिजुल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना, बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अपने दौर की नंबर वन अभिनेत्री रही और आज की मशहूर पॉलिटिशियन हेमा मालिनी की। हम पूछते हैं वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? ये क्रांति, ये इंकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। हेमा मालिनी चक्रवर्ती का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमन कुंडी तिरुचिरापल्ली इलाके में एक तमिल अयंगर परिवार में हुआ था। इनके पिता V.S.R. चक्रवर्ती एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मां जया लक्ष्मी थी जो आगे चलकर तमिल फिल्म प्रोड्यूसर बन गई थी। हेमा के 2 बड़े भाई भी थे, R.K. चक्रवर्ती और R.J. चक्रवर्ती। हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक अच्छी डांसर और फेमस फिल्म एक्ट्रेस बने, इसी वजह से हेमा के बचपन से ही उन्होंने इस फील्ड में कोशिशें शुरू कर दी। पिता की जॉब दिल्ली में होने की वजह से हेमा 10-12 साल तक दिल्ली में ही रही और दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शुरुआती स्टडी पूरी की।
लेकिन फिर इनकी माँ ने इनको बेहतर डांसर बनाने के लिए इनके पिता को चेन्नई ट्रांसफर लेने का दबाव बनाया और पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। इस तरह हेमा 12वीं ड्रॉप आउट हो गई और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हेमा मालिनी का फिल्मों में कैसे आना हुआ और फिर तमिल सिनेमा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे इनकी एंट्री हुई। चेन्नई जाने के बाद इनकी मां ने इन्हें अलग अलग गुरुओं से भरतनाट्यम सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे हेमा कई छोटे बड़े मंचों पर डांस प्रोग्राम में शिरकत भी करने लगी। यहीं से कनेक्शन बनने शुरू हुए और इनकी मां की मेहनत की बदौलत साल 1963 में हेमा को फिल्मों में ब्रेक मिल गया। ये ईदू साथियम नाम की तमिल फिल्म थी जिसमें 15 साल की हेमा की भूमिका एक डांसर की थी। इसके दो साल बाद 1965 में पांडव वनवसम नामक एक तेलुगु फिल्म में हेमा को एक बार फिर से एक डांसर का छोटा सा रोल मिला और इनका संघर्ष जारी रहा। इसी बीच 1964 में हेमा को तमिल फिल्म निर्देशक सीवी श्रीधर ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत पतली हैं और चेहरे में स्टार पावर नहीं है, जिससे हेमा और इनकी माँ दोनों ही बेहद हर्ट हुई और ठान लिया कि अब तो हीरोइन बनके ही रहेंगी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और 1968 में हेमा मालिनी को फिल्म मेकर अनंत स्वामी ने एक हिंदी फिल्म में ब्रेक दे दिया। ये फिल्म थी सपनों का सौदागर। महेश कौल डायरेक्टेड इस फिल्म में हेमा को राज कपूर जैसे बिग स्टार के साथ डेब्यू करने का मौका मिला, जो हेमा ने कभी सोचा भी नहीं था। राज कपूर ने ही पहली बार इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। हार? पहले हार फिर जीत। हारेगा कौन? तू मेरे से, मैं तेरे से। और जीतेगा कौन? तू मेरे को, मैं तेरे को। इसके बाद हेमा शराफत और अभिनेत्री आदि कई फिल्मों में लीड रोल में नजर आई और इनका स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को बेहद पसंद आने लगा। शाम सलोना, मैं हूं गोरी, लड़के नैना। साल 1970 में हेमा को स्टार एक्टर देवानंद के साथ फिल्म जॉनी मेरा नाम में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। माना जाता है कि ये फिल्म हेमा के करियर की पहली बड़ी सफलता थी, जिससे वास्तव में इन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर पहचान मिली। मैं खुद एक स्मगलर हूँ, किसी को बुरा समझने का मुझे क्या हक है? तो फिर ये फासला क्यों? फायदा क्या जॉनी, अपने नरक से निकलकर तुम्हारे नरक में चली आऊं। इसके बाद 1971 में रमेश सिप्पी ने हेमा को फिल्म अंदाज में एक और बड़ा ब्रेक दिया और हेमा के सितारे आसमान में चमकने लगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता से तो ये एक स्टार ही बन गई। ओ साथी चल, इस फिल्म में हेमा का डबल रोल था, जिसमें इन्हें दो अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला। अरे ओ चिड़ी के गुलाम, बेगम इधर है, शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे के साथ 400 BC करते हुए? अरे तो जेब थोड़ी काटी है, जुगाड़ में हार गया तो मैं क्या करूं? अरे तेरी जुगाड़ क्या जेब काटने से कम है, निकाल इसका पैसा। अब तक हेमा का फिल्मी करियर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और किस्मत की धनी हेमा को जहां एक तरफ अपनी माँ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, तो वहीं फिल्मी दुनिया ने भी इन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया था। ये मोटी मोटी आँखें हैं उसकी, पर पहनावा बिल्कुल थर्ड क्लास। जी हाँ, मैंने कई बार समझाया था कि ढंग के कपड़े पहनो ताकि मोटापा भी छिप जाए। तो क्या वो मोटी भी है? अजी कद की छोटी है तो मोटी नहीं। इनके लिए फिल्में चुनने का काम इनकी माँ ही करती थी। आगे हेमा ने दर्जनों हिट फिल्में दी और सफलता के ऐसे परचम लहराए कि नंबर वन की कुर्सी पर काबिज हो गई और बरसों इस स्टारडम का लुत्फ उठाती रही। हाँ,
हेमा ने इस दौरान जिन बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया उनमें से प्रमुख रही तुम हसी मैं जवां, राजा जानी, शराफत, शोले आदि। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा, क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो। जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा। वो तो देगा सहारा, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है। इसके अलावा नसीब, सत्य पे सत्ता, ड्रीम गर्ल आदि में भी हेमा का शानदार रोल रहा। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। इनकी खास फिल्मों में त्रिशूल, क्रांति, मीरा और खुशबू भी शामिल रही। जिसे स्वामी माना है वही अगर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता, छल क्यों करता है, कपट क्यों करता है मुझसे। मीरा, मैं राधा नहीं जो वृंदावन में बैठी रहा देखूंगी, निकल जाऊंगी जिस तरह भी बांसुरी की धुन सुनाई। हेमा ने तेरे मेरे सपने, प्रेम नगर, दिल लगी, बंदिश, अली बाबा 40 चोर और जुगनू जैसी कुछ और फिल्मों में भी अभिनय किया। इन्होंने पत्थर और पायल, आजाद, प्रतिज्ञा और रिहाई जैसी कुछ अलग हटकर फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया, जिसमें खासकर रिहाई फिल्म में निभाए इनके किरदार की खूब चर्चा हुई। आदमी कभी हालात का शिकार हो जाता है, लेकिन ये जो मेरे पेट में पल रहा है वो पाप नहीं, मेरा अपना लहू है, मेरा अपना मांस है, जैसे बाकी तीन बच्चों। हेमा मालिनी की बाद की फिल्मों की बात करें तो बागवा और बाबुल जैसी फिल्मों में भी इनका बेहद दमदार रोल रहा। तुम्हें इसका रोना तो नजर आ गया, अपनी माँ के आंसू नहीं, उसकी ममता, उसका प्यार, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। कुल मिलाकर अपने 50 साल के लंबे करियर में हेमा मालिनी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें हिट और फ्लॉप दोनों तरह की ही फिल्में शामिल रहीं। लेकिन हेमा का नाम कभी फ्लॉप नहीं रहा और हमेशा बुलंदियों की तरफ ही बढ़ता चला गया। अपने फिल्मी सफर के दौरान हेमा ने दो फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और कुछ फिल्मों का डायरेक्शन भी किया, जिनमें एक फिल्म थी दिल आशना है, जिसमें इन्होंने सीरियल में काम करने वाले एक्टर शाहरुख खान को ब्रेक दिया, जो बाद में सुपरस्टार बने। दिल आशना है, जी गए आशना है, दिल। तो वहीं हेमा मालिनी ने एक टीवी सीरियल नूपुर भी बनाया और कुछ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। तुझे जो दी है वो गम याद। हेमा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म फेयर नामांकन मिला, तो वहीं साल 1972 में इन्हें ये अवार्ड हासिल भी हुआ था। साल 2000 में हेमा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं 2000 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेमा ने क्यों निचले स्तर की मानी जाने वाली कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। तो दरअसल हेमा की पहली बेटी ऐशा देओल के जन्म के बाद ये फिर से एक्टिंग में वापस लौटना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी इन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। इनका वेट बढ़ चुका था और चेहरे पर वो ग्लैमर भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे फिल्म मेकर्स इन्हें लेने से कन्नी काटने लगे। यूं तो हेमा के पति धर्मेंद्र बॉलीवुड में जाना माना नाम थे, लेकिन हेमा उनसे प्रोफेशनल फेवर नहीं लेना चाहती थी। इसी बीच डायरेक्टर श्याम रल्हान ने अपनी एक बी ग्रेड फिल्म रामकली में काम करने के लिए हेमा को ऑफर दिया। तब डेस्परेट हो चुकी हेमा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हेमा ने डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म के पोस्टर शहर के बाहर लगाए जाएं। आज तक बहन की इज्जत और जिंदगी का बदला भाई लेता आया है, मगर आज मैं एक नई कहानी शुरू करने आई हूँ। ये बहन अपने भाई की मौत का बदला लेगी। लेकिन इससे नंबर वन स्टार रही हेमा के करियर पर एक धब्बा जरूर माना गया। जिन फिल्मों में काम करने वालों को कभी खुद हेमा मालिनी दोयम दर्जे का मानती थी, आज खुद इन्हें करने को मजबूर थी। चलिए अब आपको बताते हैं हेमा के अफेयर्स और इनकी उस शादी के बारे में जो कि बेहद विवादित रही और आज भी इसे लेकर समय समय पर इन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ती है।
फिल्मी एक्सपर्ट्स और हेमा पर लिखी किताबों के हवाले से बात करें तो यूं तो हेमा के कई चाहने वाले थे, लेकिन इनमें पहला नाम रहा जानी यानी राजकुमार का। शादीशुदा होने के बावजूद वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उनके ख्याल आए तो आते। फिल्म लाल पत्थर में साथ काम करने के बाद राजकुमार ने हेमा के घर शादी का पैगाम भेज दिया, लेकिन हेमा ने इस प्रपोजल को तुरंत ठुकरा दिया और ये बात यहीं खत्म हो गई। ओ घटा सावरी, थोड़ी थोड़ी बावरी हो गई। 1970-80 के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने एक साथ दर्जनों फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन धर्मेंद्र तब शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे और उम्र में भी हेमा से लगभग 13 साल बड़े थे, इसलिए हेमा इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज थी। पीछे निराशा की खाई है, आगे पाप का गड्ढा, बताइए मैं क्या करूं? मैं जानती थी उपदेश देना बहुत आसान है, सहारा देना बहुत मुश्किल। इसी बीच साथ काम करते हुए हेमा की जिंदगी में आए संजीव कुमार और इनसे वो भी इश्क कर बैठे। बताया जाता है कि हेमा भी उन्हें पसंद करने लगी थी और दोनों में एक अच्छा रिश्ता डेवलप हो गया। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। फिर संजीव के घर हेमा का आना जाना भी होने लगा और संजीव ने अपने पेरेंट्स को हेमा के घर शादी की बात करने के लिए भेज दिया, लेकिन हेमा की मां जया लक्ष्मी से संजीव कुमार की मां ने जब ये कह दिया कि उनके घर की बहू शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी तो हेमा की मां दंग रह गईं, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी के करियर के लिए दिन रात एक किया था और इस तरह की दोहरी और दकियानुसी बातों को सुनने के बाद वो अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में नहीं होने दे सकती थी जहाँ उनकी बेटी अपने करियर को छोड़ दे और घरेलू महिला बनकर रहने को मजबूर हो। बताया जाता है कि इस बात को लेकर फिर कई महीने तक संजीव कुमार और हेमा में बहस छिड़ी रही और संजीव के ऑर्थोडॉक्स रवैये को देखते हुए आखिरकार हेमा और इनकी मां ने ये रिश्ता तोड़ दिया। इस बीच कुछ फिल्मों में काम करने के दौरान हेमा को धर्मेंद्र लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे, हालांकि उन्हें संजीव कुमार वाली बात भी पता थी। बताते हैं कि इसी दौरान संजीव कुमार ने हेमा को शादी के लिए मनाने के मकसद से अपने दोस्त जितेंद्र को उनके पास भेजा, जो तब हेमा के साथ किसी फिल्म में काम कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र ने तो अपना दांव ही खेल दिया और अपनी शादी का प्रपोजल लेके हेमा और इनकी फैमिली के पास जा पहुँचे। जितेंद्र ने जब हेमा से अपने प्यार का इजहार किया तो हेमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तब हेमा की ही तरह जितेंद्र का भी करियर अच्छा चल रहा था और वो अनमैरिड भी थे। हाँ, विदेश में उनकी गर्लफ्रेंड शोभा जरूर थी, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। साथ ही हेमा की फैमिली भी इन्हें जितेंद्र से शादी के लिए फोर्स करने लगी ताकि धर्मेंद्र से पीछा छुड़ाया जा सके। हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी द अथराइज्ड बायोग्राफी के अनुसार 1974 में बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा करीब आ गए और जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई दोनों के परिवारों ने मिलकर इनकी शादी की डेट फिक्स कर दी। जाने चमन, जाने बहार। तभी इसकी भनक धर्मेंद्र को लग गई और वो गुस्से में फौरन चेन्नई पहुंच गए जहां ये दोनों परिवार जुटे थे। साथ में जितेंद्र की गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस शोभा सिप्पी को भी लिए गए। फिर क्या था, धर्मेंद्र और शोभा ने वहां खूब हंगामा किया। किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के एक अंश से पता चलता है कि धर्मेंद्र को अपने दरवाजे पर देखकर तब हेमा के पिता वीएस रामानुजन जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगे थे कि आप मेरी बेटी के जीवन से बाहर क्यों नहीं निकल जाते, आप एक शादीशुदा आदमी हैं, आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। पर धर्मेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार जितेंद्र से हेमा की शादी टूट गई। हेमा इसके बाद मुंबई लौट आई और अपनी फिल्मों में बिजी हो गई,
हाँ, इसके बाद भी वो धर्मेंद्र के साथ फिल्में साइन करती रहीं और खुलेआम उनसे मिलती रहीं। बताते हैं कि तब हेमा की माँ ने बेटी के सामने कई बार खूब मिन्नतें की, इन्हें डांटा भी और समझाया भी, कहा कि ये शादी की तो जिंदगी भर उस आदमी की दूसरी औरत बनकर रहोगी, लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारा स्टारडम अफेक्ट होगा। लेकिन हेमा ने उनकी एक न सुनी। जानकार बताते हैं कि जिस माँ ने हेमा को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया बल्कि एक साधारण लड़की से एक सुपरस्टार बनाया था, हेमा ने तब उनको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था और धर्मेंद्र के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उन्हें शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं जा। दरअसल अभी तक हेमा अपने पिता के कड़े विरोध की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन 20 जुलाई 1978 को हेमा के पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया और इसी के बाद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कर दी। बताते हैं कि तब हेमा की मां जयालक्ष्मी को लगा कि शायद वो अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हैं, लेकिन तब हेमा ने अपनी एक गुरु मां को बीच में डाला और उसी महिला ने जया को इसका विरोध करने से मना किया, मजबूरन जयालक्ष्मी खामोश हो गयी। धर्मेंद्र ने तो मानो बाजी मार ली थी, फिल्मों की तब की नंबर वन स्टार और ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस उनकी बीवी बनने जा रही थी, लेकिन जब इस शादी की खबर धर्मपाजी की धर्मपत्नी को लगी तो उन्होंने तलाक देने से इनकार कर दिया। साथ ही उनके बड़े बेटे सनी देओल ने तो रिवोल्ट ही कर दिया। कानून के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी धर्मपत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, तो इस पेचीदगी से बचने के लिए इन दोनों ने कुछ वकीलों से मुलाकात की और उनके सलाह मशवरे के बाद ये फैसला लिया कि इस्लाम धर्म अपनाएंगे। इसकी भनक जब हेमा की मां को लगी तो उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन हेमा ने सबको दरकिनार करते हुए इस्लाम अपना लिया और अपना नाम भी बदल लिया। 21 अगस्त 1979 को इस्लाम धर्म कबूल कर निकाह किया गया और 2 मई 1980 को दुनिया के सामने हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी कर ली गई। बता दें कि हाल के सालों में 22 अप्रैल 2002 को कांग्रेस ने इंदौर कोर्ट में धर्मेंद्र हेमा का ये निकाह नामा पेश किया था जो किसी पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से सामने आया था। दावा किया गया कि इस निकाह नामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम था दिलावर खान और हेमा मालिनी बन गई थीं आयशा बी। बताते हैं कि उस समय दोनों ने अपने निकाह की बात दुनिया से छुपा कर रखी, लेकिन जब ये खबर लोगों को पता चली तो इसे लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन हेमा और धर्मेंद्र ने चुप्पी साधे रखी और कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस शादी के बाद स्टारडस्ट मैगजीन ने धर्मेंद्र की धर्मपत्नी प्रकाश कौर का एक इंटरव्यू छापा, जिसके अनुसार प्रकाश ने ये कहा कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता जरूर हैं। हेमा के बारे में उनकी राय पूछने पर प्रकाश ने कहा था कि एक औरत होने के नाते मैं उनके प्यार की भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और माँ के लिहाज से मैं वो कभी नहीं करती जो हेमा ने किया। वैसे हेमा और धर्मेंद्र ने इस मुद्दे पर कभी खुलकर बात नहीं की। जानकारों ने यही कहा कि बस अपने चारों बच्चों की खातिर प्रकाश कौर ने खून का घूंट पीकर भी खामोशी अख्तियार किया था, जबकि इनके बड़े बेटे 23 साल के सनी देओल ने तब गुस्से में पिता धर्मेंद्र से बात तक करनी बंद कर दी थी। हेमा और धर्मेंद्र का घर तो बस गया, लेकिन इनकी शादी से जुड़े विवाद आज भी रह रहकर अपना सर उठाते रहते हैं। साल 2004 में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब धर्मेंद्र ने नामांकन दाखिल किया तो एक बार फिर हेमा के साथ उनकी शादी पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इस नामांकन में धर्मेंद्र ने अपना नाम धर्मेंद्र देओल और पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा था। इसमें उनके धर्म बदलने या हेमा से शादी करने का कहीं कोई जिक्र नहीं था, यानी निकाह और शादी के बाद भी हेमा धर्मेंद्र की लीगल वाइफ नहीं बन पाई और जिंदगी भर उनकी हैसियत धर्मेंद्र की दूसरी औरत की ही रही, जिसे कुछ लोग तो मिस्ट्रेस तक कहकर बुलाते हैं। हालांकि हेमा ने अपने कई इंटरव्यू में ये माना कि वो अपने पति के घर में कभी नहीं रही, बल्कि अलग एक दूसरे घर में रहना पड़ा, जबकि धर्मेंद्र अपनी धर्मपत्नी प्रकाश कौर और बच्चों के साथ ही पूरी जिंदगी रहे और कभी कभी हेमा और इनकी बेटियों से मिलने आते रहे और कुछ दिन इनके साथ गुजारा करते। हेमा ने खुद अपने खर्चे उठाए और अपनी बेटियों की परवरिश की। Whenever he is in Bombay, he
he sees that comes to see the children, he's with them and ask about what are they doing their studies. बता दें कि हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां पैदा हुई थीं, ईशा और अहाना, जिसमें ईशा ने भी बॉलीवुड एक्टर बनने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी और शादी कर ली। तो वहीं अहाना की भी अब शादी हो चुकी है और अब हेमा दोनों बेटियों के बच्चों से नानी भी बन चुकी हैं। हाँ, हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र के घर उनके परिवार के पास नहीं गई, ना ही उनके किसी फंक्शन या शादी में शरीक हुई। इसी तरह इनकी बेटियों की शादी में भी धर्मेंद्र के बेटे या कोई और शामिल नहीं हुआ। दोनों परिवारों में हमेशा दूरी बनी रही, जो आज भी बरकरार है। दोस्तों, आप हेमा की इस शादी और ऐसे रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल पारी की। तो 2003 में हेमा मालिनी को राज्यसभा में एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एमपी चुना गया और साल 2004 में इन्होंने आधिकारिक रूप से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने साल 2014 और 2019 में मथुरा सीट से लोकसभा इलेक्शन फाइट की और मोदी लहर में दोनों बार चुनाव जीत गईं। ये अभी भी बीजेपी की सांसद हैं और इस बार के 2024 इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही हेमा मालिनी फिल्मों की एक बेहद सफल एक्ट्रेस रहीं, लेकिन राजनीति में ये वो तमगा और रेस्पेक्ट हासिल नहीं कर पाईं। हाँ, राजनीति में हेमा मालिनी ने इलेक्शन तो जीते, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाई। संसद में कम उपस्थिति को लेकर भी हमेशा इनकी आलोचना होती रही। इस दौरान और भी कई वजहों से जहां इनका खूब मजाक उड़ा, तो वहीं ये कई बार अपने उलूल जुलूल बयानों से कंट्रोवर्सी में भी फंसती रहीं। कभी इन्हें एरोगेंट कहा गया, तो कभी कम अकल कहकर इनके ऊपर सवाल उठाए गए, जिनमें सबसे विवादित रहा मथुरा की विधवाओं को लेकर इनका बयान। बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छे अच्छी आमदनी मिल रही है उनको, बट अच्छी बात है, और अच्छे ढंग से रह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा बेड भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। तो वहीं जब मथुरा में दर्जनों लोगों की जान जा रही थी, तो हेमा अपनी एक फिल्म का प्रमोशन कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जिस पर इनकी पार्टी बीजेपी ने भी इन्हें अंदर खाने फटकार लगाई और इन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। इसी तरह जब इनसे एक पत्रकार ने मथुरा में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा कि बहुत कुछ किया है, लेकिन फिलहाल याद नहीं है। इस बार अपनी जीत पर दोबारा पूरा भरोसा है? भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद मी। सो मेनी रोड्स एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव डन व्हिच आई जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज राइट नाउ, आई डोंट रिमेम्बर मच, बट बहुत सारे काम किए हैं। जाहिर है इस बयान पर भी इनका खूब मजाक बना और कई मीम्स भी इंटरनेट पर तैरने लगे। इसी तरह इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनके तरह तरह के ड्रामेबाजी करते फोटोग्राफ और वीडियो भी खूब वायरल हुए, जिनमें कभी ये हैंडपंप चला के वीडियो बनवा रही थीं, तो कभी किसी किसान मजदूर या ग्रामीण के साथ तरह तरह के पोज देकर फोटो खींचा रही थीं। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे अच्छा लगा कोई जगह, मैं उतर के देख रही हूँ, उसको आप लोग फोटो निकालते हैं, कोई दूसरा सांसद को तो आप नहीं लेंगे ये, क्योंकि मैं हेमा मालिनी हूँ, फोटो मेरा लेके आप डालते हैं, आपका मजा आता है इसमें। हेमा मालिनी से जुड़े कुछ और विवादों की बात करें, तो एक विवाद तब बन गया जब इन्हें बीजेपी सरकार द्वारा मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस क्लास चलाने के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट मात्र 7 लाख रुपए में दे दिया गया, जबकि बाजार में इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए थी। 2015 में हेमा की मर्सिडीज कार आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऑल्टो कार से टकरा गई, जिसमें एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और ये मामला सुर्खियों में रहा। हेमा मालिनी एक और विवाद में तब फंस गई जब मथुरा में इनका चप्पल पहनकर पूजा करने का एक वीडियो सामने आया। यहाँ हेमा मालिनी मथुरा में एक शौचालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, जहां और भी कई अधिकारी मौजूद थे और सभी जूते चप्पल पहने हुए थे। इस मामले में जब सांसद हेमा मालिनी से सवाल पूछे गए, तो इन्होंने एरोगेंसी में कोई जवाब नहीं दिया। खैर, फिलहाल हेमा मालिनी के पास इन दिनों किसी फिल्म का ऑफर तो नहीं है, लेकिन ये राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ये 75 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी फिट और फ्रेश नजर आती हैं। इन्हें अभी भी समय समय पर अकेले या बेटियों के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करते देखा जाता है। इसके अलावा ये कुछ विज्ञापनों में भी नजर आती हैं।
दोस्तों हेमा के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो हिंदी सिनेमा में इनके शानदार काम और सराहनीय योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब भी इंडस्ट्री की खूबसूरत और डांसर अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो हेमा मालिनी का नाम जरूर लिया जाएगा। हाँ, इनकी विवादित पर्सनल लाइफ की भी चर्चा गाहे बगाहे होती ही रहेगी, क्योंकि फिल्म पर्सनालिटीज पब्लिक फिगर होते हैं और इनकी जिंदगी सार्वजनिक होती है, जिन्हें लोग फॉलो भी करते हैं और इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? आप हेमा मालिनी के करियर, इनकी पर्सनल लाइफ और इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।